हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं गोपाल सिंह। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है विकास टूर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं पंचमुखी महादेव मंदिर, जो कि रावष्टगंज के सोनभद्र में स्थित है। इसका मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं, पंचमुखी महादेव मंदिर रावष्टगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ये मंदिर स्थित है, जो कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ, मंदिर का भी दृश्य। और यहाँ पे बहुत बड़ी ग्राउंड है आगे पीछे, तो मैं उसका भी पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तीन द्वार है, तो यहाँ अभी जो गाड़ी खड़ी है, तो ये देखिए आप सामने, यहाँ से भी आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और पीछे से भी दो द्वार है, तो मैं पीछे से चलता हूँ ताकि मैं आपको पूरा व्यू दिखा सकूँ। तो चलिए हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। और मैं इस वक्त शाम के समय आया हूँ, और सुबह और शाम यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर शाम को ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। और सुबह में सब मॉर्निंग वॉक करने, सब योगा वगैरह करने यहाँ पे कुछ लोग आते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर। पीछे की द्वार से हम लोग ऊपर मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो ये देखिए, ये अगर सीधे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं। मैं इस वक्त राइट साइड में जाऊँगा, तो ये राइट साइड में मंदिर का द्वार है। तो आप देख सकते हैं सीढ़ी आपको सामने दिख रही होगी, ये रही सीढ़ी। ये देखिए, पूरी पत्थर की सीढ़ी बनाई गई है, इसमें कहीं भी सीमेंट बालू का यूज नहीं किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं छोटी सी मंदिर है, लेकिन इनकी शक्ति अपार है। यहाँ पे मेरे सामने कई मन्नतों को पूरा होते हुए मैंने देखा है। यहाँ पे बहुत सारे मन्नत मांगे जाते हैं, जो कि पूरा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप भी आकर के मन्नत मांग सकते हैं। तो अगर आपका मन्नत सच्चा होगा, सच्चे दिल से अगर मांगेंगे, तो भगवान आपकी जरूर पूरा करेंगे। तो ये देखिए, आप चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं। और थर्ड जो द्वार है, ये रहा, ये देखिए, ये तीसरा द्वार है, जो कि नीचे की ओर नीम के पेड़ के पास, जहाँ पर माता रानी का स्थान है, वहाँ पे चला जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा मंदिर, मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। और ये देखिए, अंदर की जो मूर्तियाँ हैं, जो शिव भगवान की मूर्ति है, ये देखिए, ये महादेव मंदिर का मंदिर है, भोलेनाथ का। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कितने सारे घंटियाँ लगी हुई हैं। तो चलते हैं अब बाहर की ओर। ये देखिए, बहुत छोटा ही मंदिर है, लेकिन बहुत काफ़ी प्रचलित है। तो मैं आ गया हूँ बाहर की ओर, और आप ये देख सकते हैं दीवार पे कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हनुमान जी की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी जी की, बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग बाहर की ओर चलेंगे। तो ये देखिए, अब हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं,
और ये देखिए यहाँ पे चेयर भी लगा हुआ है ताकि आप आराम कर सकें यहाँ पे। और ये रहा हवन कुंड, यहाँ पे बहुत सारे मैरिज भी होते हैं, तो अगर मैरिज किसी का कराना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे काफ़ी जगह है मैरिज के लिए, ताकि बारात जो भी बारातियों के लोग रहेंगे बहुत ही आसानी से यहाँ पे रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा उसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी जगह है और बहुत ही यहाँ पे एंजॉय होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और रास्ता आप देख ही लिए होंगे फर्स्ट टाइम में कि यहाँ तक, यहाँ इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर फूल बिरल भी आ जाता है, तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है, तो बहुत ही आसानी से आ सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये रहा माता रानी का दरबार, नीचे ये नीम का पेड़ है, तो मैं इसका भी दिखा देता हूँ। और ये जो जो जाली लगी हुई है, ये एक गुफा थी पहले, जो कि इस वक्त अभी बंद कर दी गई है, और अंदर में भगवान जी की मूर्तियां वहां पे रखी हुई हैं, उनका दरबार बना दिया गया है। तो मैं उसका भी अभी दिखा देता हूं, वीडियो में कैप्चर करता हूं उसका भी। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं, अंदर में एक गुफा थी, लोग कहते हैं कि इस गुफा के अंदर यहाँ से अगर राजा लोग जो पहले थे तो यहाँ से घुसते थे, तो यहाँ से अंदर जाते थे तो सीधे विजयगढ़ किला के पास निकलते थे, विजयगढ़ किला के अंदर, तो इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है। लेकिन इस वक्त ये चारों तरफ से पैक कर दिया गया है और इस तरह से जालीनुमा द्वार बना दिया गया है, जो कि अंदर जा कर के पंडित जी लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये चारों तरफ से पैक है। एक मान लीजिए ये भी एक छोटा सा मंदिर टाइप का यहाँ पे बना दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको पूरा चारों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मंदिर है, इसके चारों तरफ का मैं आपको पूरी तरह से, ये देखिए ऊपर का ये मंदिर, और किस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है, यहाँ पे पूरी पहाड़ी इलाका, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे रुकने का, खाने का, ठहरने का आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे रुकने के लिए काफ़ी जगह है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसी दृश्य को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए पूरा दृश्य पूरा घुमा करके मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अभी और भी जगह है, अभी तो मैंने आपको आधा भी नहीं दिखाया, चलिए अभी और भी जगह है, बहुत लंबी चौड़ी जगह है। मैंने आपसे बताया ना कि यहाँ पे कई बारात भी आ जाएंगे तब पर भी जगह की कमी नहीं पड़ेगी, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे अपना जो भी काम है यहाँ पे कर सकते हैं, शादी विवाह या कोई भी पार्टी वगैरह। तो ये देखिए अभी मैं और आगे चलता हूँ, आपको नीचे भी दिखा देता हूँ कि नीचे का क्या दृश्य है, नीचे क्या है इसके नीचे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं इस वक्त शाम के समय, जो आसपास के लोग हैं वो सुबह के समय यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने, योगा करने,
काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे 4 बजे भोर में। तो ये देखिए पूरा दृश्य, नीचे पूरा हरियाली हरियाली, यहाँ पे खेत हैं, सीजन के हिसाब से यहाँ पे खेती की जाती है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए वहाँ पे काफ़ी बंदे आगे में हैं, अभी चारों तरफ फैले हुए हैं, यहाँ पे टूरिस्ट की कमी नहीं है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो चलिए अभी ये देखिए, ये नीचे का दृश्य है, जो कि नीचे भी सड़कें हैं जो चुर्क की ओर जाती है, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री भी है एक, तो वहाँ पे आप इस रास्ते से निकल सकते हैं। ये देखिए हम लोग काफ़ी ऊपर हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी ऊपर हैं, ये कई फीट ऊंचा है और इतने ऊंचे पे ये मंदिर को बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, अब चलते हैं इसके आगे की ओर। ये देखिए कितना भीड़ है, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे की ओर, और आगे क्या है, अभी इसके साइड में अभी और भी जगह है। अभी तो मैंने आपको मंदिर के पीछे का दृश्य दिखाया, अभी मंदिर के साइड में काफ़ी बड़ी ग्राउंड है, जो कि यहाँ पे कई सारी फंक्शंस हो चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ग्राउंड है, तो आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका भी पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे जो आप अभी ये इस वक्त ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये जो घेरा हुआ है, ये देखिए ये जो आप अभी सामने पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जगह है। ये देखिए काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको इसको देखें, ये देखिए कितनी जगह है यहाँ पे, पूरी पहाड़ी इलाका, पंचमुखी महादेव मंदिर, यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए ग्राउंड आपने देखा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।